मतलब मतलब उसको नाप तोल तो नहीं सकते कि कितना एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये बोलना चाहूँगा कि जॉर्डन जेन्युइनली बहुत बढ़िया कंट्री है, और अगर आप कभी भी ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो जॉर्डन ज़रूर आपकी विश लिस्ट में होना चाहिए। प्लस जब हम वापस आएंगे, आप हमारे इंस्टाग्रामिंग और हमारे वीडियोज़ देखेंगे, आपको इस बात का यकीन हो जाएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। इस बार हमने जो आइटनरी बनाई है जॉर्डन की, जिसको हम सलाम जॉर्डन बोल रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट होने वाली है हमारे प्रीवियस सारे प्रोजेक्ट से, क्योंकि इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम टिपिकल मिडिल ईस्टर्न ऑथेंटिक जॉर्डनियन फूड पे बहुत फोकस कर रहे हैं, साथ में हम वेलनेस पे फोकस कर रहे हैं। अभी अभी हो क्या गया है कि जनरली हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपनी सेहत का वैसे ही हम ध्यान नहीं दे पाते। इस ट्रिप में हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम डेड सी कर रहे हैं, जो कि लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है, वहाँ पे आप वहाँ के आप मड थेरेपी मतलब आप नेचुरल आपको इतने डूब नहीं सकते, डूब नहीं सकते, आपको फ्लोट करेंगे सर, करेक्ट। हमारे कुछ स्पा सेशंस हैं, प्लस जो हमारा फूड होगा वो इतना अच्छा होने वाला है कि ये चीज़ गारंटी है, जब हम सब वहाँ से वापस आएंगे और फिटो कराएंगे, और मतलब हमारे अभी ऑलरेडी 6 ऐप जब 8 या 10 हो जाएंगे और ज़्यादा गुड लुकिंग होकर आएगा वापस। पेट्रा क्या है ना, पेट्रा एक सिटी है जो कि अभी डिस्कवर हुई है, तो वो कोई मॉन्यूमेंट नहीं है। मे बी आप पेट्रा में जो ट्रेजरी है उसकी बात कर रहे हैं, ट्रेजरी जो बात कर रहे हैं, इट्स अ सिटी, इट्स अ होल सिटी, इट्स अ सिटी, सिटी के अंदर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेजरी विच इज, नहीं हम करेंगे, हम बहुत खुरा हम बहुत खुरा बात हैं। हम पेट्रा तो बेसिकली हमने एक दिन रखा है पेट्रा ट्रेल के लिए, ट्रैक के लिए, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ पेट्रा, ये एग्जिट पॉइंट है, तो हम सब पैरों पे चल के एंट्री से एग्जिट लेंगे और वो पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे। जी हाँ, ये मेरा और कांची का 5th प्रोजेक्ट है विद फिट्ज़अप, बहुत मज़ा आता है हमेशा। एक्चुअली जब हम ताइवान गए थे, वो मेरा पहला ट्रिप था 2 साल पहले, उससे पहले मुझे इतना फिटनेस में मतलब इतना शौक नहीं था, और इतना मतलब मन नहीं लगता, मतलब पता नहीं था कि क्या होता है फिटनेस में, क्या होता है, हमें लगा सिर्फ जिम जाना फिटनेस है, लेकिन इनके साथ जब हम इनसे मिले और इनके साथ ट्रिप्स पे गए तो समझ में आया कि फिटनेस सिर्फ जिम जाना नहीं है, बहुत चीज़ें होती है, मतलब खाने पीने से लेकर फंक्शनल ट्रेनिंग से लेकर, आप मतलब आप स्विमिंग पूल में होना अगर तो अपने हाथ से भी एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब उससे भी सारे बॉडी पार्ट वर्कआउट हो सकता है, और मतलब आप नॉर्मल अगर आपके पास अगर जिम नहीं भी है तो आप घर बैठकर भी वाटर बॉटल्स के साथ कर सकते हो वर्कआउट, और वो मतलब स्ट्रेचिंग कुछ भी कर सकते हो, वो इनसे पता चला मुझे, तो तब से लेकर आज तक मैं वही फिटनेस में ही बहुत ध्यान दे रहा हूँ, और अब काफ़ी अच्छी मेरी फिजिक है इस वक्त, तो या वो वहाँ पर हम टी शर्ट उतारेंगे वहाँ पर जॉर्डन में, इसलिए रेडी कर रहा हूँ मैं, 10 दिन है अभी तो तब उतारूंगा, वरना मुझे पता है अभी बोलोगे अभी उतारने को भी नहीं अभी। जी हाँ बताओ, ये कांची ने कुछ नहीं बोला, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, तुम कह तो रही थी हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून, यस ऑब्वियसली हमने हॉट एयर बलून कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हम इतनी जगह गए हैं, हमने इतना कुछ किया है, सो हॉट एयर बलून एक ऐसी चीज़ जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड और भी बहुत सारी चीज़ है, डेजर्ट सफारी है जो कि, और जॉर्डन में रियल डेजर्ट है, मतलब वो इट्स नॉट लाइक कि बस फॉर द हेक ऑफ इट डेजर्ट वहाँ पे होगा, ऐसी डेजर्ट सफारी है जो मतलब लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, इन द मिडल ऑफ नोवेयर हम लोग सफारी करेंगे, प्लस हम वहाँ एक जगह है वारीरम जहाँ पे हम कैंपिंग कर रहे हैं, मार्शियन मूवी वहाँ पे शूट हुई थी, क्योंकि वो एक्चुअली मार्स जैसा लगता है, वहाँ पे कुछ लाइफ ही नहीं है, तो जब हॉलीवुड वाले वहाँ शूट करने आए थे उन्होंने अपने कैंप्स लगाए थे, वो कैंप्स अब वापस वहीं छूट गए, हम उन कैंप्स में रुकेंगे, तो वो हमारी एक्टिविटी है। अमान कैपिटल सिटी है, वो हम काफ़ी एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो बेसिकली पूरी कंट्री हम एक्सप्लोर करेंगे। अकबा करके एक बहुत ही हैपनिंग सिटी है जॉर्डन की, जहाँ पे हमारा यॉट एक्सपीरियंस है, हमारा लंच स्नॉर्कलिंग सब कुछ हम रेड सी के बीच में जाएंगे, स्कूबा डाइविंग भी हम करने वाले हैं, स्नॉर्कलिंग भी करने वाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली हम वहाँ के स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स को कवर कर रहे हैं जो कि किसी ना किसी थीम पे बेस्ड है, उसके अलावा हम लोग लोकल शॉर्मा जॉइंट्स पे लोकल शॉर्मा शॉप्स पे भी जाएंगे, ताकि हम वो लोकल फूड स्ट्रीट फूड का भी शॉर्मा आई थिंक इज वेरी फेमस, शॉर्मा मिडिल ईस्टर्न। एग्जैक्टली, मैं सच बताऊँ तो सिंस द टाइम आई हैव मेट देम आई वोंट लाई टू ऑन दिस, मेरा एक पूरा परसेप्शन चेंज हो गया, इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू बी फिट, मुझे सनी से पता चला, एंड फिट्ज़अप इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल लाइफ स्टाइल फिटनेस एवरी थिंग, सो बहुत सीखा है, एंड दैट्स व्हाट रोहन एंड आई वी बोथ आर फॉलोइंग। करते हैं ना खाना तो हम इनके फिट्ज़अप बार्स खाते हैं क्योंकि वो इतने टेस्टी होते हैं और उसमें मतलब कोई चीटिंग भी नहीं होती, पर हाँ नाम के जब मन करता है चॉकलेट खाने का तो वो ले लेते हैं। अभी 2 महीने में मैंने थोड़ी बहुत बॉडी बनाई, तो मैं सनी को भेजती थी कि सनी ठीक है ना, तो यू कैन सी द रिजल्ट्स अभी 1.5-2 साल पहले की। 5th time इट बी माय फर्स्ट टाइम टू जॉर्डन, फर्स्ट टाइम, या यस
सी जॉर्डन का या जॉर्डन का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत यूरोपियन कल्चर भी मिलेगा, साथ में मिडिल ईस्टर्न कल्चर भी मिलेगा. ठीक है, रेड सी है, रेड सी का नाम रेड सी है बट पानी मतलब डार्क ब्लू इंक से भी ज़्यादा ब्लू है. ठीक है, कोरल हैं, वाइट सैंड बीचेज हैं, प्लस डेड सी. डेड सी आप सबकी बकेट लिस्ट में होनी चाहिए क्योंकि डेड सी एक ऐसी चीज़ है जो एक्सटिंक्ट हो जाएगी थोड़े सालों में. डेड सी कैसे बना था कि जो सी है, सी का पानी सूख गया, अब सिर्फ उसमें मिनरल्स रह गए हैं, तो 70% मिनरल्स है, 30% वाटर है, इसलिए आप डेड सी पे कभी डूबे नहीं सकते. आप अगर ऐसे उल्टा लेटेंगे आप फ्लोट करेंगे क्योंकि पानी इतना थिक है. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन डेड सी पे अवेलेबल है, 7-8% मोर देन एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड. अरबी अस्सलाम वालेकुम, आयवा, मरहबा, शुक्रान, सो बेसिक्स हमारे हैं. इंग्लिश तो हर जगह कॉमन लैंग्वेज तो रहती है. इंग्लिश बोलती है, इट इज जस्ट दैट वी हैव टू स्पीक इन देयर टंग. ये एयरपोर्ट पे उतर के सनी का एक्सेंट चेंज हो जाएगा, सो मेरा मिडिल ईस्टर्न बन जाता है. थैंक यू सो मच. I'm actually बहुत एक्साइटेड हूँ. दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम गोइंग विद सनी एंड फिट्स अप टीम. सो और मैं वैसे भी ट्रैवल बफ हूँ. मैं और नेहा बहुत, हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं. जब काम के बीच में कोई भी गैप होता है तो हम वी आर जस्ट ट्रैवलिंग. सो दैट्स हाउ वी वर्क ऑन आर सेल्स. एंड यहाँ तक कि मतलब मैं इतना पागल हूँ ट्रैवलिंग के लिए, मैंने ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स भी किया हुआ है व्हेन आई वाज इन कॉलेज. सो आई हैव अ डिग्री इन दैट. So that is why I love to travel, and I got connected to Sunny, and we got the opportunity to travel to Jordan, and I always wanted to go there because I've always heard that there is a place there jahan pe Jesus baptized hue the, or there's a river jahan pe baptized hue the. So I'm very excited to go there, that place particularly. Aur bahut sari aisi jagah hai wahan pe, like Petra. These guys have already said that पेट्रा है और डेड सी है जहाँ पे कोई फ्लोट हो ही नहीं सकता. जैसे नेहा को स्विमिंग नहीं आती बिल्कुल भी, तो वो डर रही थी. हाँ तो कभी भी ड्राउन नहीं हो सकती बेसिकली. फिटनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाना भी उतना इंपॉर्टेंट है. हाँ, भूख लग रही हो तो फिर मतलब फ्राइड हो, कुछ भी हो, सब लाओ, ऐसा है. लेकिन चलने की ताकत भी रहेगी क्योंकि बहुत लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप्स है वहाँ पे, लॉन्ग चलना है बहुत सारी जगहों पे. मुझे एक्चुअली बिल्कुल याद नहीं आता क्योंकि हम लोग ना रोटी खाते हैं ना चावल खाते हैं, तो जो बचा भी वेजिटेबल्स या फिश या चिकन या एग्स वही वही खाते हैं, और बाहर के देशों में यही सारी चीज़ें मिलती हैं. क्या है कि obviously Indian food का कोई तोड़ नहीं है, हमारा कल्चर साउथ इंडियन फूड अलग है, कश्मीरी अलग है, पंजाबी अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न अलग है, which is correct, but हम साल में 300 दिन तो वो खाते ही है ना. जब आप बाहर जा रहे हो, it's better कि आप उनके traditions को explore करो. It's like कि अगर कोई इटालियन इंडिया आया है, हम उसे होस्ट कर रहे हैं, बोले यार मेरे को तो पिज्जा और पास्ता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. तो बाहर जब जा रहे हैं तो बेटर है कि उस देश की cuisine ट्राई करो और मोटे हो. क्या हो, एक्साइटेड. जैसे हम लोग पहली बार साथ में ट्रैवल कर रहे हैं एंड द लोकेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और जो डेड सी है, आई एम एक्साइटेड अबाउट डेड सी द मोस्ट, क्योंकि वहाँ पे सनी हैज़ टोल्ड अस कि मिनरल्स बहुत मिलते हैं बॉडी को, और आप सब के लिए बहुत अच्छा. अच्छा, मुझे पता नहीं था. ओके, थैंक यू. तो वो चीज़ है. और दूसरी, वहाँ डूब क्यों लंग्स के लिए अच्छा था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, 7% ज़्यादा ऑक्सीजन है. द लोएस्ट पॉइंट of the earth. See, earth. I remember. Yes. नहीं, सही बोला आपने, ऑक्सीजन ज़्यादा इसलिए लंग्स के लिए अच्छा है. Yeah, so I'm all excited, very excited. तो जैसे कि अगर आप टीवी में वो स्क्रीन में देखते हैं ना फिल्म से पहले कि इनके फेफड़े काले होते हैं, चारकोल निकलेगा, तो हमारे में इतना सारा चारकोल है, तो वहाँ पे आने का थोड़ा कम हो जाएगा. मेरा चीट डे होता, मेरा रोज ही चीट डे. Yeah, we both are foodie and we decide every day that we're gonna eat only healthy food. But we end up eating something interesting because once in a day, वो thought हमारे मेरे दिमाग में ज़्यादा आता है. I'm the culprit. I'm like कि मैं फिर भी try करता हूँ, लेकिन ये मुझे इतना cheat करवाती है ना, इसके वजह से मेरी body नहीं बन पाती. Shut up. So why do you eat? So I'm like, I want to eat something interesting now. And when I order something interesting, he has to share with me. He eats with me. So हमारा every day is a cheat day. और मैं नहीं भी खाऊँ तो थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा फिर खा के फिर band बजा. Hence they need fits up. Yeah, that is why we need fits up. Big time. And we've recently received a stack of, fits up protein things, and, tea and peanut butter. Yeah. So
सो अभी हम लोग थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं. अभी थोड़े दिन बाद ना आप थोड़े दिन बाद ना मेरा शक्ति कैसे सब बिस्किट्स दिखेंगे आपको, सिक्स बिस्किट्स. मैं तो लगा के आऊंगा पार्ले जी. अभी नान खटाइए. थैंक यू. थैंक यू.